कि क्या मोदी जी के पिताजी नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि वो संवैधानिक हक है। अनुच्छेद 19 के अंदर ही हमारा संवैधानिक हक है, जिसको आर्टिकल 19 के हिसाब से हमें ताकत मिली है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ताकत दी है आंदोलन करने की। बाबा साहब अंबेडकर ने ताकत दी है कि वाजपेयी जो गरीब थे वो प्रधानमंत्री बने। ये अंबेडकर का संविधान है साहब, इसको इतना कमजोर मत बनाओ। आप अंबेडकर की उपेक्षा कर रहे हो इस संविधान को उपेक्षित करके। और मैं बता दूं, कई तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने की कवायद लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रहलाद पटेल को आगे लाया जा रहा है, जिसलिए लोधी समाज के लोग निकल के ना आ पाए इस आंदोलन में। ये प्रहलाद पटेल को आगे करा इनने, पर उनको पता होना चाहिए। मैं उनके समाज को भी कहूँगा कि एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता हुआ था, जिसका नाम था गुलाब सिंह लोधा, जिसने अंग्रेजों के शासनकाल में तीन दिन पेड़ पर चढ़ा रहा और किसानों का झंडा फहरा दिया और गोली खाई सीने पे। तो भाई उस समाज को जागना होगा। हमारा मोदी प्रधानमंत्री है कि जिसने 6 साल में 70 रूप बदले। अब उसके लिए चाहूँगा एक संदेश है जो जनता आगे याद दिलाएगी कि देखिए, जब अंधेरा होता है तो सूरज की कल्पना करते हैं हम कि है बहुत अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए। और अब अगर हमें रोका गया तो मैं कहूंगा किसान भाइयों, जोश बरकरार रखना। और मैं कहूंगा, राहत इंदौरी जी की बड़ी अच्छी शायरी है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये दरिया देखिए, आंदोलन कहीं भी खत्म हो लेकिन चेहरे बदलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आवाज को दबाने का लाख प्रयास कर लो, आवाज नहीं दबती। क्रांतिकारियों को मार सकते हो, क्रांतिकारी विचारों को नहीं मार सकते आप। आप ट्विटर को बंद कर दो, आप इंटरनेट को बंद कर दो, पर दिल के तारों को कैसे बंद करोगे यार? ये दिल के तार हैं, ये जुड़े हुए हैं। हम आ जाएंगे, फिर आएंगे, अगले जन्म में आएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। और रही बात ट्विटर की, तो क्या हमने रिहाना को पैसे दिए हैं? क्या हमने विदेशियों को पैसे दिए इस आंदोलन के बोलने के लिए? अरे आपको सोचना होगा, यही मोदी जब विदेशों में जाता था तो अंधभक्त चिल्लाते थे कि मोदी का डंका बज रहा है। आज जब मोदी की लंका लग रही है तो क्यों दर्द हो रहा है यार? खुशी मनाओ को ब्रिटिश संसद में ट्रंप 2.0 बोला गया है। तो जैसे ट्रंप है वैसे ही उनके चेले हैं, ये साथ साथ हैं। मैं तो कहता हूं ना, हमें पाकिस्तानी बताने वालों, तुम बताओ जब बिना प्रोटोकॉल के तुम पाकिस्तान में उतरते हो, नवाज शरीफ के यहाँ पर शादी में जाते हो, बिरयानी खा के आते हो, माँ के पैर छू के आते हो, और हमें पाकिस्तानी बताते हो जो खुद पाकिस्तान के चरणों में अपना सिर रख दे। हमारा सिर और हमारा तख्त तो ताज मोदी था, लेकिन मोदी जो खुद झुक गया पाकिस्तान में, वो हमें कैसे नहीं झुकने देगा? लेकिन हम जमीर नहीं बेच, हमने हमारी जमीनें जिंदा हैं और जमीन की लड़ाई जब तक है ये लड़ाई जारी रहेगी। सदन में मोदी जी रो देते हैं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अरे यार, बगुला भगत इतना बड़ा स्वार्थी है, ये बाजार में जाके अपनी माँ को बेचाए, अपनी बीवी को बेचाए, वो किसको नहीं बेचेगा? इसने झोले में जाने क्या क्या रख रखा है। ये कहता है ना, झोला उठा के चल दूंगा। मैं तो कहूंगा भाई, झोला यहीं रखा लेना, मोदी को भग जाने देना। बात कही कि आंदोलन जो है, आंदोलन पे बात होती है, लेकिन ये बदलाव जो होते हैं, बदलाव पर बात नहीं होती। बदलाव करना जो है बुरी बात नहीं है, इसे लेकर नहीं, हम भी मानते हैं बदलाव पर, बदलाव उस क्षेत्र में होने चाहिए जहाँ से देश की आम जन की उन्नति हो सके, जहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ चुके। ये नहीं कि उनका दिवाला निकल जाए, ये बदलाव नहीं चाहिए हमें। ये दिवाली के पटाखे मत फोड़िए हमारे नोटों से, क्योंकि ये वही तरीका है। आप इनडायरेक्टली हमें जलाने की बात कर रहे हो, हमें परेशान करने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ ना, बदलाव होना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री से अपनी परिकल्पना करना गलत है। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 सूटों के अंदर पूरा जीवन निकाल दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को साथ रखा, अपनी पत्नी से चूल्हे की रोटी बनवा के खाई, जिसने सड़क से लेकर संसद तक साइकिल से अपने आप को चलाया हो, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। जिन्होंने देश में हरित क्रांति लेके आए, अनाज का भंडारण करवाया, किसान को समृद्ध बनवाया, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ये कहां तुलना कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री से? मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा लगाते हैं। पता नहीं वो मोबाइल कहां से आएगा जिससे वो हमें फोन लगाएंगे, पता नहीं उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कौन सा नया कर्जा लेके आएंगे। ये एक चीज और कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह जी जो करना चाह रहे थे वही हमने कर दिया। देखिए, मनमोहन सिंह जी क्या करना चाह रहे थे, क्या नहीं चाह रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई हमें 2 चांटे मारना चाह रहा था, तो क्या आप उसके नाम पर 4 चांटे मारोगे?
हम क्या मंदिर का घंटा है कोई एक बार बजाएगा, आप तीन बार बजाओगे? बंद करो साहब, बहुत बजा लिया, जनता समझ चुकी, अब जनता आपको बजाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मामला गया है यहाँ जी, बैरिकेटिंग हुई, उन सब चीज़ों को लेकर के जो एक तरीके से नेट बंद किया गया, क्या कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों को समझ में आ रहा है? बापू, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बिल में काला क्या है? बापू के देश में अहिंसावादी देश में ये हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है सरकार द्वारा। और आप जानते हैं आरएसएस को विश्व के अंदर आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है, ये मैं नहीं, आप गूगल पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा। तो हमें आतंकवादी कहने वाले खुद की गिरेवा तो झाकें कि खुद कौन है, ये मैंने ही गूगल बताएगा। और दोगली राजनीति तो ये करते हैं, एक तरफ गोरक्षा अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने खुलवाते हैं, एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके ये खुद खुलवाते हैं। और आज जिस तरीके से बैरिकेड्स करे हैं, इन्होंने साफ साफ बता दिया कि किसान अपने खेत में अनाज की जगह बारूद बो रहा है। और मैं तो कहना चाहूंगा, अगर जिस दिन किसान ने बारूद बो दिया मोदी, तो तुम्हारी और तुम्हारी नस्ल दोनों खत्म कर देगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो गई। देखिए, पत्रकार और जनता का एक संबंध होता था कि जनता जो थी, जो पत्रकार थे, वो जनता की आवाज़ को बुलंद करते थे और सरकार से सवाल करते थे। मतलब जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना था, आज वो सोशल मीडिया कर रही है, और सोशल मीडिया को भी दबाया जा रहा है, सोशल एक्टिविस्टों को भी दबाया जा रहा है। ये गलत है, कई गुना गलत है। ये मोदी जी को समझना होगा, क्योंकि आसमान में जो थूकता है, थूक उसके चेहरे पर गिरता है, और मोदी जी वही गलती कर रहे हैं। पत्रकारों पर FIR आ रहा है, जिन्होंने उनके पास नोटिस जा रहे हो, तो क्या कहेंगे इस तरह? सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सच परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, पर हार नहीं सकता। आप सच की आवाज़ बनिए, हम जीतेंगे, एक दिन मिलकर जीतेंगे। आप जनता की आवाज़ हैं। कोई और करेगा, आज मुझे गालियां दे रहे, कल को आपको यही काम है, फिर आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे, फिर किसी और को गालियां देंगे आप? भाई अगर सच्चाई के लिए गाली पड़े तो बुरी बात नहीं है। और इस कृषि कानून में काला क्या है ये भी समझ लो, क्योंकि कई हमारे, मुझे दिक्कत होती है जब विपक्ष इस बात को नहीं बता पाता है। तो इसमें देखो, पहली बात काला कि इसमें कोर्ट जाने की परमिशन नहीं है किसान को कोर्ट जाने की परमिशन नहीं है। एक मिनट साहब, कोर्ट जाने की परमिशन नहीं। दूसरा, किसान के साथ जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जमीन नहीं बेच पाएगा किसान। तीसरी बात, गैर संवैधानिक तरीके से बिल लाया गया, जो लोकसभा में आया उसे राज्यसभा में आना चाहिए था। तीसरी गलत। और चौथी बात ये कि ये कानून काला बाजारी को खुली छूट दे रहा है। 1955 में बने कानून जमाखोरी को खुली छूट दे दी, तो काला ही काला है इसमें, अच्छा कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं MSP था, है और रहेगा। देखिए, मोदी जी पहले तो नहीं थे, अब आज हमारे लिए नहीं है, और कल नहीं रहेंगे, ठीक है। बात यह है, MSP की बात करें तो गैस की टंकी पर सब्सिडी की गारंटी थी, लेकिन आज वो सब्सिडी खत्म हो चुकी, महंगाई चरम पर है। तो देख लिया, पेट्रोल हो, खाने का तेल हो, सबकी महंगाई बढ़ गई, आमदनी कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, जो गारंटेड सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया, तो ये तो अभी मौखिक सब्सिडी है, ये तो मनमर्जी है, कभी भी खत्म हो जाए। क्योंकि जिसके दिल में गंगा और दिमाग में दंगा हो, ऐसे व्यक्तियों के विषय में चर्चा करना ही दंगे जैसी हो जाती है। जिंदाबाद। चल कुछ नहीं रहा, मजे चल रहे हैं, पूरे मजे चल रहे हैं, मोदी जी मजे कर रहे हैं। देखिए ना, नए नए भाषाओं का प्रयोग करते हैं, नए नए क्या कहते हैं रूपों का प्रयोग करते हैं, लगातार ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अब तो मतलब हंसी से ज़्यादा अब कभी कभी दुख भी होता है। भाई, जो व्यक्ति खुद भाषण जीवी हो, जो खुद भौतिकतावादी जीवी हो, जो खुद कॉरपोरेट जीवी हो, वो कैसे हमें कहेगा आंदोलन जीवी? तो उन्हें समझना होगा, आंदोलन जीवी तो गौरवान्वित करने वाला शब्द है। आंदोलन जीवी तो क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आंदोलनों से देश को आज़ादी मिली। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो हमें अच्छा सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन परजीवी वो कैसे कह रहे हैं, ये उन्हें समझना होगा। परजीवी वो खुद हैं, परजीवी हम नहीं हैं। किसान तो खुद अनाज उगाता है और उसे खाता है और बेचने जाता है, पर ये तो हमारे पैसे पे पल रहे हैं, ये तो हमारे क्या कहते हैं चुकाए हुए टैक्स पे पल रहे हैं, जो सारा इनका ऐशो आराम है हमारे ऊपर है। तो परजीवी तो मोदी जी हैं, तो परजीवी का उदाहरण भी इनका गलत है। लेकिन मोदी जी को ये तय करना होगा कि शब्दों के जाल से बाहर निकालकर देश को धरातल के मुद्दों से अवगत कराएं, ये बताएं पिछले 6 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार पर कितनी बार बात हुई है, इन मुद्दों पर बात करें मोदी जी। तो क्या लग रहा है, जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो संवैधानिक पद की गरिमा क्या रह जाती है? संविधान का तो ये खिल्ली उड़ा रहे हैं,
संसद की खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये शब्द शैली संसद को भी अच्छी नहीं लगेगी और संविधान को भी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक है, इसके शब्दावली हो या इसके कार्यशैली हो। कार्यशैली देखी है मोदी जी की कि नोटबंदी की घोषणा स्वयं गवर्नर को करना थी, लेकिन वो नोटबंदी की घोषणा भी मोदी जी कर देते हैं। अरे जिस कानून को राज्य सरकार को बनाना था उस कानून को केंद्र सरकार बनाती है, चोरी छुपे बनाती है। और काला दिन उस दिन हो जाता है जब राज्यसभा के अंदर ध्वनिमत से कानून पारित हो जाता है, वो काला दिन बन जाता है जब माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि गैर संवैधानिक काम तो मोदी जी शुरू से करते आ रहे हैं, और ऐसे गैर संवैधानिक व्यक्ति को क्या संविधान की पालन सिखाएं हम लोग। अरे मैं तो संविधान का पालन सिखाता हूं, धारा 188 के अंतर्गत अगर इनको अपनी शपथ पत्र याद हो तो जो कहेंगे वो देने तैयार हूं। मैंने बार बार कहा है मोदी जी डिबेट कर लें, मैं सर कटा दूंगा, नहीं तो ये अपनी उंगली कटा दें। पर आरएसएस के लोग हैं, बातों से पेट भरना जानते हैं, अनाज से नहीं। लेकिन अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ दबाव बना है मोदी सरकार पर, अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? देखो यार, दबाव का बना नहीं बना ये तो मोदी इसके दिल पे हाथ रख के पूछना कि बना कि नहीं बना, अंबानी अडानी पे बना कि नहीं बना। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर ज्वाला भड़क गई है, और अब जो ज्वाला भड़क गई है ना वो तो दूर तलक जाएगी, और इंकलाब की जो आग लगी है ना, तो मैं कहूंगा सबसे कि घर आपके भी हैं, घर हमारे भी हैं, अगर हमारा घर जलेगा तो आपका भी जलेगा। तो क्या सरकार को अंतिम मैसेज देना चाहते? सरकार को ये कहूंगा कि अंग्रेजी शासन मत करो, नहीं तो क्रांति करना हमें भी आती है, और 2 अक्टूबर का टाइम दिया है हमने, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर तक हम गांधी जी हैं, और इसके बाद हो सकता है भगत सिंह बन जाए, और अगर भगत सिंह बने तो शायद ज़्यादा दर्द हो जाएगा मोदी जी को और उनके अंधभक्तों को, क्योंकि फिर भगत सिंह वाली क्रांति नहीं संभाल पाएंगे ये, क्योंकि गोरिल्ला वॉर क्या होता है आरएसएस वालों ने नहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ लेना थोड़ा सा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।